इन दिस सेक्शन आई एल एक्सप्ल दैट वट कुड बी द लिंक बिटवीन द फॉवर्ड प्राइस एंड द फ्यूचर स्पॉट प्राइज सो जब हम किसी भी फाइनेशियल फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो उसमें हम फॉवर्ड प्राइज़ को अकाउंट फॉर करते हैं अब फॉर्वर्ड प्राइज़ की मदद से अंदाज़ा लगाया जाता है कि फ्यूचर में यानी कि एक साल के गुजर जाने के बाद या छः माह के गुज़र जाने के बाद या दो साल के गुजर जाने के बाद जब आप इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव को मटेरियलाइज करने वाले हैं कंप्लीट करने वाले हैं तो या उसमें उसमें से आप एग्जिट पोजीशन लेंगे तो उस वक्त की जो फ्यूचर की स्पॉट प्राइस है वो क्या होगी तो दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्यूचर की स्पॉट प्राइस से पता चलेगा कि आपको नफ़ा होने वाला है या नुकसान होने वाला है तो फर्स्टली वी आर डीलिंग विद अ सिचुएशन जिसमें हम एस्यूम करें कि सपोज वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक जहाँ जिसमें डिविडेंड नहीं पे हो रहा और इसको हम एज़्यूम रहे हैं ताकि हम अपनी जो एग्ज़म्पल है इसको सिम्प्लीफाई कर सकें बाद में हम एक ऐसी सिचुएशन uh, को डिस्कस करेंगे जिसमें स्टॉक पे डिविडेंड भी मिलेगी तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक जिसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता और उसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम ऑफर होता है यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए आपको पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम ऑफ़र होगा पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम को हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क लेना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कितना एट द टॉप ऑफ द रिस्क रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा और मुझे और कितना एडिशनल रिटर्न मिलेगा जिसको मैं प्रीमियम समझ रही हूँ रिस्क लेने के लिए तो वो जो अगर सपोज़ रिस्क लेस पे मुझे छः परसेंट मिल रहा है तो अगर रिस्क रिस्की एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ तो वहाँ से मुझे अगर आठ फ़ीसद ऑफ़र हो रही है तो इसमें जो द टू परसेंट है दैट इज़ द रिस्क प्रीमियम विच आई एम गोइंग टू गेट इन ऑर्डर टू टेक एन एडिशनल रिस्क तो उसमें हमें आ, हम एज्यूम करें कि लेट सपोज वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक जो कि आपको पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम ऑफर कर रहा है डिविडेंड आपको ऑफर नहीं कर रहा और उसकी इस सिचुएशन में इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट कि जो इसका फॉरवर्ड प्राइस है वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस को को फोरकास्ट नहीं करने में मदद देगा देर कुड बी सम अदर थिंगस दैट आर टू बी टेकन इन टू अकाउंट सो अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला सपोज हमारे पास जो स्टॉक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का स्टॉक है दैट इज रिस्क प्रीमियम उसके ऊपर आपको पता चला कि uh, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर के स्टॉक पर आपको रिस्क प्रीमियम ऑफर हो रही है एज्यूम करें हम सेवन परसेंट और जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है रिस्क लेस इंटरेस्ट आपको ऑफर हो रही है एट परसेंट तो इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन आप इन दोनों चीज़ों को जमा कर देंगे रिस्क लेस रेट को और आप रिस्क प्रीमियम को एडिशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें टोटल जो रेट ऑफ़ रिटर्न है किसी भी रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए वो ओवरऑल फिफ्टीन परसेंट मिलने वाला है सो दिस कैन बी असेस्ड एंड देन इफ़ द करेंट स्पॉट प्राइस इज़ सपोज वन हंड्रेड डॉलर पर शेयर आपकी जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है फ्यूचर uh, में जाके वो इस सिचुएशन में जैसे कि हमने अभी रिस्क प्रीमियम को काउंट फॉर किया है और हमने रिस्क फ्री रिटर्न को काउंट फॉर किया है वहाँ से हमने दोनों को जमा करके सात फ़ीसद और आठ फ़ीसद को जमा करके हमने पंद्रह फ़ीसद निकाला था तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अभी जो आपका स्पॉट प्राइस है अगर हंड्रेड डॉलर है और ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन फिफ्टीन परसेंट बनती है तो फिर आपकी जो फ्यूचर की स्पॉट प्राइस है इट विल बी वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन डॉलर इन इन दिस सिचुएशन फॉर द सिम्प्लिसिटी सेक हमने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके जो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि हमारा जो स्पॉट प्राइस है फ्यूचर का स्पॉट प्राइस वो पंद्रह फीसद एट द टॉप ऑफ जो भी अभी मिलेगा तो देन यू विल गेट इन टू एन इन्वेस्टमेंट या इस तरह के आप फ्यूचर में साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज यू विल नॉट एंड इफ यू लुक एट द फॉर्मूला टू सी हाउ दिस एक्चुअली वर्क तो हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स को निकालने के लिए वी आर यूजिंग द साइन आर बार एस पी एंड दिस इज सिंपली द एंडिंग प्राइस ऑफ द ऑफ़ द स्टॉक एंड द बिगनिंग प्राइस द करेंट स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय द करंट स्पॉट प्राइस तो आपको ये मिली है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव या इसको हम फिफ्टीन परसेंट भी बोल सकते हैं ना इस फॉर्मूला की मदद से आप फ्यूचर की स्पॉट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हमने यहाँ एज्यूम किया हुआ है एस एस वन बार और इसको हम अगर करंट स्पॉट प्राइस के साथ में इस फिफ्टीन परसेंट को काउंट फॉर करके 1.15 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई एस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो फ्यूचर की स्पॉट प्राइस है इट विल बी 115 डॉलर्स जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था नाउ एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर आपको फॉरवर्ड स्पॉट प्राइस पैरिटी को देखना है तो उस केस में जो अब हम पैरिटी निकालते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट फॉर करना होता है रिस्क प्रीमियम आप रिस्क लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अकाउंट फॉर नहीं करते सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू बी कंसिडर्ड सो ओनली द रिस्क प्रीमियम इज टू बी टेकन वेन वैन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड स्पॉट प्राइस पैरिटी तो पैरिटी निकालने के लिए आपने रिस्क प्रीमियम लेना है लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आपको रिस्क uh, प्रीमियम के अंदर जमा करना पड़ेगा रिस्क लेस रिटर्न और इन दोनों को एडअप करके आपको पता चलेगा कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए और इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप फ्यूचर की स्पॉट प्राइस को निकाल सकते हैं फॉर सिचुएशन व्हेन वी आर एज्यूमिंग कि हमें डिविडेंड नहीं मिलने वाला